सो मनोज भाई अभी मिलते हैं मनाली में। कैसे है? मस्त मस्त भाई जी। मार्केट कैसा रहा? मार्केट बहुत अच्छा रहा। मार्केट है ट्यूसडे में वो वाला। मैंने सोचा कटराई में। ये देखो ये बैग लिया हमने वहां से। बहुत अच्छा भाई जी, बहुत अच्छा। 500 का कसम से 500 का लाया। नहीं नहीं पर अच्छा ये बाहर से ऐसा ना, पर अंदर से ठीक है। ये वाला इसका थोड़ा सा बाहर से खराब है। अब आगे की प्लानिंग ऐसी कि आगे जाएंगे अब थोड़ी। हाँ स्पीति चलते। हाँ ऐसा ही करते हैं, स्पीति निकलते हैं। ये तो भाई कैसा लगा आपको? मजा आ गया। नहीं 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 इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो बैग ये पता क्या हुआ, ये थोड़ा परे मेरे गिर गया उस मिट्टी में ना, मिट्टी इसने कैच कर ली। ये तो इसका कुछ नहीं, अंदर से तो ठीक है ना, बाकी ये इसका थोड़ा सा खराब है। अब क्या बोल सकते, अब ले लिया हमने गुरु जी। लैपटॉप के लिए लिया ना, लैपटॉप और उसके लिए लिया। मिश्रा जी नहीं नहीं, अगर नया लेंगे हम नहीं होना, कम से कम मैं बोलता हूँ कम से कम 8-10 हज़ार का बैग है। 500 दिया भाई। सो गाइस मेरे साथ है मनोज भाई। मनोज भाई अभी जो है 150 लेके आया, तो इनसे जानते हैं 150 के बारे में। भाई कितनी पुरानी है भाई जी? ये 2002 मॉडल है भाई जी। 2002 मॉडल है और 1 लीटर में मैं पूरा 50 किलोमीटर चलता हूँ। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं एक बाइक जब यूज करता हूँ मैं घर के घरेलू काम के लिए ज्यादातर, पर गया हूँ 2 टूर लगा चुका हूँ मैं लाल का इससे। लॉल क्या आपको क्या लगता है इस कंडीशन में अब ये चल पाएगी लॉल? ये तो मेरी जान है भाई जी, ये तो कभी धोखा भी नहीं देता। मैं दो ट्रिप मार दिया ऐसा लंबे लंबे ट्रिप, कभी धोखा नहीं दिया। ये तो भाई दिखने में ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, वही बाइक है। ओल्ड इज गोल्ड ये तो है। चलो देखते हैं अभी कहाँ तक चलती है। 150 cc दो हमारे पास, 150 cc है हिमालय और एक है हिमालयन, तो 3 बाइक है अभी। हम लोग 5 बंदे हैं, तो एक बंदा भी और ज्वाइन करेगा, तो लेट्स देखते हैं। वो आ रहा है, वो बस में है वो। तो फाइनली गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं। मनोज भाई कहाँ जा रहे हैं हम अभी? अभी हम थोड़ा मनाली मार्केट में घूमते हैं, और घूमने के निकलते निकलते मार्केट के बीच बीच से हम स्पीति वैली की ओर निकलते थे। आज केलोंग में रुकेंगे आज। तो आज का जो हमारा स्टे रहेगा केलोंग, हमारे पास 3 बाइक है, तो देख सकते हैं आप 2002 मॉडल और ये भाई जी कौन सा मॉडल है 2019 और ये 2022। तो लेट्स गो चलते हैं फिर, और आपको बताते थोड़ा मार्केट बताते ऊपर, और एक्सरेट सुन देते हुए हमारे राइडर और ये पहले राइडर। क्या बोलते उसको, बादल फटा था है ना, बादल फटा तो यहाँ, तो ये वाला रोड थोड़ा खराब हो गया था उस टाइम। और यहाँ सामने निचली साइड जो है वॉल्वो बस स्टैंड है, और यहाँ जो वॉल्वो पार्किंग यही होती है। एंड यहाँ से वो जो है अब चल पड़ी है मनाली। मनाली में आते आते ऐसा सीन हो गया, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से निकले थे ना, वहाँ शुरू में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जैसे ही यहाँ पहुँचे मनाली में, तो भाई साहब यहाँ लगता कि ठंड जो है ना अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और ये हमारे मिश्रा जी हॉट बहुत हो जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो दो राइडर आगे हैं, एंड हम तीसरे हम पीछे हैं। तो हमारे राइडर तेल भरते हुए बाइक की टंकी फुल कराएंगे। एक्चुअली हमने तो बिल्कुल फुल कराई अपनी टंकी बाइक की। ठीक है टंकी फुल, ठीक है। हाँ सही बात है। कितने का होता पुलिस? 16-17 अभी देखते हैं इसमें कितना। ये तो फुल हो गया। ओ मिश्रा जी की तो टंकी रहती है हमेशा फुल रहती है, इसकी टंकी रहती है फुल रखता है। तो बाइक में तेल भरवा लिया, तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये अपनी वाली बाइक है इधर, और ये सामने मॉल रोड। तो आप देख सकते ना बहुत सारी जो चहल पहल है, फुल पावर टूरिस्ट है।
ये देख सकते हैं आप, और हम निकल चुके हैं मनाली से आगे, और थोड़ा सा जाम लगता हुआ, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, हम जाम में नहीं फंसे। हवा ना क्या करीब से कम लगे थोड़ी, हवा कम है, हवा कम होगी तो उसमें ज़रा हवा डलवा देंगे। और ये बात याद रखना होता है जब भी ट्रैकिंग पे जाते हैं तो जो बाइक के लिए टूल किट और हवा वगैरह टायर सब कुछ चेक करना होता है, तेल वगैरह जो भी है, दिक्कत नहीं आती पैक करने में। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक तो ऐसी जगह जा रहे हैं वहाँ तो दूर दूर तक मैकेनिक की शॉप नहीं, जाए बजरंग वाली, जाए हनुमान। हाँ तो और गाइस आगे ना आपको देखना होगा, आपको देख, सॉरी तो हमारे मनोज भाई आगे जा रहे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, पीछे कुछ बंदे हाथ हिला रहे थे तो मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाया। मैं आपको बता रहा था आगे जो आगे दिख रहा है जो क्वेश्चन भी हो रहे हैं, चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं आगे, मैं आपको बता रहा था पहाड़ बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ, ऐसा लगता है कि सामने जो है मानो जैसे चांदी की चादर लगी हुई हो, तो उस तरह का सीन है। अरे 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 यही तो सीन हो जाता है गाइस, है ना, तो अपन को कहीं देखना होगा। खत्म हो गया, अरे आगे मिलेगा कहीं, चलो आगे देखते हैं कहीं। आया सो गाइस, अभी हमें बताया भाई ने जो शॉप वाले थे बाइक वाले, तो यहाँ से आगे ना पेट्रोल पंप के साथ है आगे जो है टायर जो पंचर है और हवा भरने वाले की शॉप है, तो यहाँ हम दिखेंगे इस साइड है क्योंकि हवा जो है बहुत कम हो गई है और ऐसी कंडीशन में बाइक नहीं चल पाएगी ज़्यादा, और कहीं दिख भी नहीं रही है गाइस, वो लगता है उधर उस साइड ऊपर, हाँ इधर है, तो इधर हवा भरवा लेते हैं देन फिर आगे का ट्राई करते शुरू। हाँ तो मिश्रा जी जाके आओ, तो तब तक हम तो भाई, भाई से भाई, मजा आ रहा आपको? मजा। सो गाइस यहाँ पीछे भी हवा नहीं भरी, उन्होंने कहा कि आगे जाने को, तो मैंने जो है सीट एक्सचेंज कर लिया, मैं हूँ मनोज भाई के साथ जो कि लाए 2002 मॉडल की बाइक पल्सर 150, और भाई साहब देखिए कैसे दौड़ती है, और ये देखिए ओल्ड इज गोल्ड। तो यहाँ का व्यू ना बहुत ही ज़बरदस्त है, और हल्की सी जो है अब ठंड का जो महसूस हो रही, ठंड हल्की हल्की सी, और टाइम मैं आपको बता दूँ, टाइम हो चुका है डेढ़ बज चुके हैं, 2 बजने वाले हैं। एंड आगे देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत जो व्यू। सो गाइस फाइनली जो है शॉप मिल गई, यहाँ हवा भरवा सकते बाइक में, तो ट्रैकिंग में ये ध्यान रखना होता है कि बाइक जब ट्रैक करते आप बहुत दूर का, तो राइडिंग करते टाइम पूरा हर एक चीज़ ध्यान से देखना पड़ता है, हवा पेट्रोल और कुछ जो भी है फिल्टर वगैरह उनको बढ़िया साफ करके जाना होता है। और मिश्रा जी की जो बाइक है बिल्कुल नई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, इनकी बाइक में, तो मनोज भाई तो अभी सर्विस करा के लाए भाई को, बिल्कुल एकदम फिट हो गया तो मिश्रा जी की जो बाइक है अभी जिसमें हिमालयन, ये तो किंग है, दिस इज द किंग बाइक ऑफ ऑफ रोडिंग के लिए। तो गाइस मिश्रा जी का ना जो टायर पंचर हो गया, तो आप देख सकते हैं पंचर टायर, ये है ट्यूब, तो इधर बनाए दो, इधर बनाए रहा, तो उधर नई ट्यूब लगा दी, अब रिस्क नहीं लेना है,
तो उसके लिए जो है नई ट्यूब लगा दी और भाई अभी चेंज करते हैं उसको। शुक्र है टाइमली हमें पता लग गया कि जो बाइक की हवा कम है और जो है पंचर टायर में, तो यहाँ से आगे फिर मुश्किल हो जाती, शॉक भी नहीं मिलती आगे।